हेलो गाइस, दिस इज़ कुलदीप कोतारीवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कुलदीप्स बायोलॉजी। हम डिस्कस कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि हमने टेस्टिस को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियोस में। आज हम करेंगे एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स के बारे में बातें। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो अभी लाइक कर लीजिए और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एसेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। रेटेड टेस्टिस जो फर्स्ट डक्ट है, और सेकंड होगा बासा एफरेंसिया, और आप इसको वास एफरेंसिया भी बोल सकते हैं। थर्ड वन इज़ एपिडाइडमिस एंड फाइनली वास डिफरेंस। हम पढ़ रहे हैं जर्नी स्पर्म्स की। स्पर्म का पहले फॉर्मेशन होता है सेमीफ्रिस्टिब्यूल्स में। सेमीफ्रिस्टिब्यूल में फॉर्मेशन होने के बाद रेटेड टेस्टिस के बाद एफरेंसिया वास एफरेंसिया में आएंगे स्पर्म्स, और इसके बाद एपिडाइडमस में, और इसके बाद बास डिफरेंस में आएंगे, और फिर यूरेथ्रा में एंटर करते हुए उसके साथ कुछ सिक्रीशंस मिक्स होंगी ग्लैंड से, और फाइनली सॉरी यूरेथ्रा में नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करेंगे, वहाँ से सिक्रीशन होंगी। इसके बाद यूरेथ्रा से वो जो एजैकुलेशन हो जाएगा। हम ये सारी की सारी जर्नी आज पढ़ेंगे। ग्लैंड्स का रोल भी आ जाएगा और डक्ट्स का रोल भी आ जाएगा। देखिए, समझते हैं इस डायग्राम से हम। अगर आपको इस साइड वाले ये नहीं भी दिख रही है लेवलिंग की हुई, आप पहले इस साइड पे फोकस कीजिए, मैं आपको बाद में ये लिखवा दूंगी अगर आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी भी है। तो हमने पढ़ा था टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस में सिंथेसिस हो गया था स्पर्म्स का। इसके बाद सिंथेसिस होने के बाद जो स्पर्म है रेटेड टेस्टिस से होते हुए वास एफरेंसिया में आएंगे। रेटेड टेस्टिस यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होता है, जो कि इसमें डायग्राम इतना डिटेल्ड नहीं है कि नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और इसके बाद वास एफरेंसिया में एंटर कर जाता है। वास एफरेंसिया से होता हुआ इसके बाद वासा डिफरेंस में एंटर कर जाता है। यहाँ से स्पर्म्स जो हैं मूव करते हैं, इस तरीके से मूव करते करते यूरिनरी ब्लैडर तक। ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, इसमें एंटर हो जाएंगे स्पर्म्स। इसमें एंटर होने के बाद क्या होता है कि इसमें से ये जो ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड है, इनमें से सिक्रीशन भी मिक्सअप हो जाएंगी, और फाइनली यूरेथ्रा से होता हुआ पेनिस से जो है इजैकुलेशन हो जाएगा स्पर्म्स का। तो आपने पहले क्या पढ़ना है डक्ट्स के बारे में। पहला डक्ट हो गया रेटेड टेस्टिस, ये हो गया फर्स्ट डक्ट रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस से बाद जो है वासा एफरेंसिया आएगा। वासा एफरेंसिया इसे एंटर कराएगा एपिडाइडमस, ये जो ब्लू कलर का, मैं ब्लू कलर फिल कर रही हूँ जिस पार्ट में, ये होता है एपिडाइडमस। एपिडाइडमस में मूवमेंट के बाद वासा डिफरेंसिया में हो जाएगी। चाहे तो आप इस फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। रेटेड टेस्टिस के बाद वास एफरेंसिया में, वास एफरेंसिया के बाद एपिडाइडमिस में, और एपिडाइडमिस के बाद वास डिफरेंस में। तो इस तरीके से मूवमेंट होता है। यहाँ से रेटेड टेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टेस्टिस में, और टेस्टिस के बाद ये एंटर करेगा वास एफरेंसिया के थ्रू। यहाँ पे छोटा सा एक ओपनिंग होता है, जो कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा भी है, जहाँ पे हमने टेस्टिस डिस्कस किया था। इसके बाद ये एपिडाइडमिस में मूव हो जाएगा, ये ब्लू कलर का एपिडाइडमिस, इसमें देख लीजिए ये एपिडाइडमिस है, और यहाँ से फिर वास डिफरेंस में, ये भला वास डिफरेंस में आके और यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ यूरेथ्रा में एंटर करेगा। तो यहाँ पे डक्ट्स कौन कौन से हो गए, ये फर्स्ट हो गया, और सेकेंड ये हो गया वास डिफरेंसिया, यहाँ पर प्रेजेंट होगा सेकेंड डक्ट, और थर्ड वन हो गया एपिडाइडमस। एपिडाइडमस ये ब्लू कलर का, ठीक है, जहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, ये थर्ड हो गया, और इसके बाद फोर्थ हो गया वास डिफरेंस। तो ये चारों डक्ट्स के बारे में हमने पढ़ना था। तो ये चारों डक्ट्स हो गए हैं। चारों डक्ट्स कर क्या रहे हैं, चारों डक्ट्स कंडक्शन करवा रहे हैं किनका, स्पर्म्स का, जिसका के फॉर्मेशन हुआ था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये चारों डक्ट हैं रेटेड टेस्टिस, फिर वास एफरेंसिया, एपिडाइडिमस, देन वास डिफरेंसिस। ये चारों मूवमेंट करवा रहे हैं स्पर्म्स की। इसके साथ ही हम आगे पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स आप एक बार यहाँ से देख लीजिए डायग्राम में, ये सेमिनिफेरस ग्लैंड है, इसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये रेड कलर का बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है।
और ये हैं एसेसरी ग्लैंड्स जो कि प्रेजेंट होती हैं, अभी अभी हमने देखा है डायग्राम में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं वन बाय वन। इनका अब हम रोल पढ़ेंगे कि जो सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, फर्स्ट एसेसरी ग्लैंड है जो सबसे ऊपर प्रेजेंट थी, ये कंट्रीब्यूट करती है ह्यूमन सेमन में, मेल सेमन में 60-75% इसका ही सिक्रीशन होता है सेमन में, जो कि विटामिन सी होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, एंजाइम फ्रक्टोज वगैरह ये प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा जो सेकंड ग्लैंड है दैट इज़ कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक एल्कलाइन फ्लूड को सिक्रेट करवाता है जो कि स्पर्म की मूव करने में हेल्प करता है, मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है और इसके अलावा उसको उसकी वायबिलिटी भी इंक्रीज करता है, क्योंकि जो मूव करते हैं स्पर्म वही वायबल होते हैं। थर्ड जो ग्लैंड है छोटा सा पी शेप्ड काफ़ी राउंड सा रेड कलर में दिखाया था मैंने डायग्राम में, वो उसका जो सिक्रीशन होता है, इस ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन में और न्यूट्रलाइज करता है रेजिडुअल एसिड इन यूरेथ्रा, जो रेजिडुअल बचा कुचा एसिड होता है यूरेथ्रा में उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसकी एसिडिफिकेशन को ख़त्म कर देता है। तो ये ग्लैंड्स थे हमारे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड वल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इनके साथ ही हमने रोल भी कर लिए हैं कि कौन सी ग्लैंड का क्या फंक्शन है। फाइनली हम एक बार फिर से इसके जो डायग्राम को देखेंगे, आपका जो भी मिस हो गया हो पार्ट उसे हम कंप्लीट करते हैं, इसे फाइनल टच देते हुए हम कंप्लीट करते हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि डक्ट के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक जो है स्पर्म्स पहुंच चुके हैं, यहाँ तक सिर्फ स्पर्म्स थे। इसके बाद जो है ये ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सिक्रीट करना कुछ ना कुछ, तो ये सिक्रीशन जो छोड़ेंगे वो स्पर्म्स में मिक्सअप हो जाएंगे और स्पर्म को मूव करना इजी हो जाएगा। तो हमने पढ़ा ये ग्लैंड्स के बारे में, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बस यूरेथ्रा ग्लैंड एंड फाइनली जो है इजेकुलेशन प्रोसेस भी हो जाएगा। इसके साथ ही जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको मेरे वीडियो समझ में आए होंगे, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।